तो आज हम शुरू करें ग्रामर का एक और पार्ट जो कि है आर्टिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं आर्टिकल के बारे में। और भी आर्टिकल जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक तो डेफिनिट और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। हम किसी भी नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब डेफिनिट का मतलब होता है किसी निश्चित चीज़ के बारे में। जब हम किसी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता रहे होंगे, किसी इम्पॉर्टेंट नाम का इस्तेमाल करेंगे, हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे, तब हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। और अगर कोई नॉर्मल सी बात हो, कोई नॉर्मल सा चीज़ हो जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई खास नहीं है, तो उसे हम इनडेफिनिट आर्टिकल से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अ बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट। एक भिखारी ने तुम्हारा शर्ट चुरा लिया है। तो एक भिखारी बोलने का मतलब वो कौन सा भिखारी है कोई नहीं पता है, कौन है, नहीं जानकारी है, लेकिन हाँ एक जो भी है वो क्या है, एक भिखारी है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, मतलब इनडेफिनिट है। अगला देखिए, जैसे दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूँ, मतलब जिसमें मैं रहता हूँ ये उसी घर के बारे में बात हो रही है। मैं किसी दूसरे के घर में नहीं रहता हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ, तो मैं अपने घर के बारे में बता रहा हूँ कि ये वही घर है जहाँ मैं रहता हूँ। अब आसपास बहुत सारे घर होंगे, लेकिन उनके बीच में कोई एक घर जो मेरा है वो मेरा ही है, ठीक है। तो मतलब क्या है, उस घर को मैं डेफिनेट रूप से बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, मैं मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं हाउस के पहले यहाँ पर द यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये है डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब। अब हम यहाँ जानते हैं ए और एन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। जैसे हमने जान लिया कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, तो अब सबसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, तो उन दोनों उसमें है ए और एन। कहाँ हम ए यूज़ करेंगे, कहाँ हम एन यूज़ करेंगे, जनरली इन दोनों का मतलब जो है वो एक ही होता है, एक, ठीक है। सिंगल, जहाँ पे सिंगल क्वांटिटी के बारे में बताना हो तो हम नॉर्मली वन ना लिख करके ए या एन का यूज़ करते हैं। अब ए कहाँ यूज़ करते हैं और एन कहाँ यूज़ करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो वैसे तो इन दोनों का इस्तेमाल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब जिनकी गिनती की जा सके, काउंटेबल का मतलब जिनको गिना जा सके, और वो भी कैसा, सिंगल होना चाहिए। जब भी हम किसी गिनती किए जाने वाले नाउन के पहले किसी आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे तो हम ए या एन का यूज़ करेंगे, कब, जब वो इनडेफिनिट हो और साथ साथ सिंगुलर भी हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में पहला लिखा हुआ है, मोहन इज अ सिंगर, मोहन एक संगीतकार है। क्या है, एक संगीतकार है, तो यहाँ पे ए का यूज है। अगला, दिस इज एन एप्पल, यहाँ एप्पल कोई एक सेव है, इनडेफिनिट है, कोई भी सेव हो सकता है, बहुत सारे सेव होते हैं वैसे, तो यहाँ एन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल ए है, एक एन है, तो कहाँ हम ए यूज करेंगे, कहाँ हम एन यूज करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे ए का इस्तेमाल हमेशा हम, अच्छा ए से पहले एन के बारे में जान लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। एन का यूज़ हम हमेशा किसी ऐसे वर्ड के लिए करते हैं जिनकी शुरुआत भॉवेल से हो, जिनकी शुरुआत भॉवेल से हो। जैसे यहाँ पे देखिए एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल का ये जो पहला वर्ड है ए, ये क्या है, एक भॉवेल है। भॉवेल आप लोग जानते होंगे, भॉवेल जनरली पाँच होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, तो ये पांचों भॉवेल होते हैं। इन वर्ड्स, इन लेटर्स से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले हम जनरली एन का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट शब्द से जो भी, कॉन्सोनेंट लेटर से जो भी वर्ड शुरू होते हैं उनके पहले हम ए लिखते हैं। अब ये तो हो गई जनरल सी बात जो आपको सब बताएगा, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए यहाँ पर हूँ। तो आप इस अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको हिंदी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, मतलब इस चीज़ को खास करके आर्टिकल पढ़ने के लिए आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप इसके इस्तेमाल में, ए और एन के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दोगे। अब जैसे कि हम मान लीजिए कहीं पर एक वर्ड लिखते हैं,
आवर, एच ओ यू आर, इट इज आवर। आवर का मतलब होता है घंटा। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है, अगर हमें बताना हो एक घंटा, एक घंटा तो यहाँ तो कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पर ए होना चाहिए, बट ये जो ए लिखा है वो गलत है। अब ए नहीं लिखना है, इसके बदले हम क्या लिखते हैं, जो सही वर्ड यहाँ पे होता है, जो सही आर्टिकल यहाँ पे होता है वो होता है एन। अब एन क्यों होता है, जबकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। एन होने का कारण ये है कि हम इसका हिंदी में अब उच्चारण देखेंगे, हिंदी में हम कैसे इसको बोलते हैं। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं इसको आवर, आ व र, आवर। आवर यानी कि इसकी शुरुआत हिंदी में किससे होती है, अ से शुरू होती है। तो जो भी अ आ छोटी बड़ी ये सब है, यानी जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण से शुरू होने वाले उच्चारण, स्वर वर्ण से उच्चारण शुरू होने वाले शब्द के पहले हम हमेशा एन का यूज करते हैं। तो जो भी शब्द आप बोलेंगे, जो भी वर्ड आप बोलेंगे हिंदी में प्रोनंसिएट अगर करना हो, बोलना हो, उस समय में अगर किसी स्वर वर्ण से शुरू हो रहा हो वो शब्द, तो आप उससे पहले एन का यूज करेंगे। लेकिन अगर वही शब्द जो है वो किसी व्यंजन वर्ण से, यानी क ख ग घ वाले शब्दों से अगर शुरू हो रहा हो, तो आप उसके पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे सिंगर है, सिंगर में किससे शुरू हो रहा है, स से शुरू हो रहा है, सिंगर स से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए लिखते हैं। वही एप्पल, एप्पल जो है वो ए से शुरू होता है, ए क्या है, एक स्वर वर्ण है, इसलिए हम इसके पहले एन का यूज करते हैं। इस तरह के बहुत से आपको मिलेंगे, तो आगे हम लोग जब करते जाएंगे प्रैक्टिस जो और करेंगे, तब और ज़्यादा हम सीखेंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया सीखना। अब इसके बाद देखिए दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, दो एग्जाम्पल हैं जो कि आपको देखना है कि इसमें गलती क्या है और इसे हम कैसे सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है राजू हैज़ अ कार, सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया, राजू हैज़ कार। यहाँ पे क्या है, कार है जिसको हमें बताना है कि इसकी क्वांटिटी बतानी है। राजू हैज़ कार नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक आर्टिकल हम इसके पहले यूज़ करते हैं किसी नाउन को ठीक ठीक डिनोट करने के लिए, हम हमेशा एक आर्टिकल यूज़ करते हैं, खासकर कब, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, क्योंकि ये एक कार एक नाउन है और एक काउंटेबल नाउन है, और ऊपर से यहाँ पे सिर्फ कार लिखा है, यानी कि सिंगल कार के बारे में बात हो रही है। तो हम इसको सही सही बताने के लिए हम इससे पहले क्या लिखते हैं, एक ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, राजू हैज़ अ कार, ये होगा एक सही सेंटेंस। इसके बाद देखिए लिखा दे बॉट हाउस। अब जो हाउस है ये भी एक नाउन है, नाउन भी कैसा, तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन भी कैसा, तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो हम हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक आर्टिकल यूज करेंगे जो कि ए या एन में से कोई होगा। अब ये चूंकि हाउस है, अब ये पहले वाले की तरह हावर वो आवर था, ये हाउस है, हाउस यानी ह से शुरू होता है, ह से शुरू हो रहा है यानी व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे। इसका मतलब यानी एच वहाँ पे भी था, तो ये नहीं कि हर जगह एच लिखा हो तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, हाउस ह से शुरू हो रहा है, क्योंकि ह व्यंजन वर्ण है, इसलिए हम ए का यूज करेंगे। तो चलिए इतना तो हुआ, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो वही आ गया, अब आगे देखिए डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, एन और ए के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ए का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स होते हैं उनके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जैसे कार, कार, पार्क, पेन, ये सब क्या है, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण के हमारे उच्चारण इसमें आते हैं, तो इसीलिए इन सब के पहले, इस तरह के वर्ड्स के पहले हम ए का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर भी वॉवेल साउंड हो, वॉवेल साउंड यानी स्वर वर्ण के जहाँ पे आवाज़ आपको सुनाई दे, स्वर वर्ण हो, वहाँ उस वर्ड के पहले हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब वॉवेल साउंड रखते हैं, तो इसीलिए हम इसके पहले एन का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यानी कि ये एक सवाल है, इसको देखते हैं। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। यहाँ पे कहाँ गलती लिखा हुआ है वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या होता है, एक्सपेंसिव हम कैसे बोलते हैं, तो ए से शुरू हो रहा है ये वर्ड, यानी कि यहाँ पर ये जो एक्सपेंसिव है वो ए से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए
ये तो स्वर वर्ण है, तो यहाँ पर ए नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ये एन यहाँ पर सही वर्ड होगा। तो ये हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं द का यूज़ कहाँ पे करते हैं। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, द का यूज़ कहाँ करते हैं। तो द जो है वो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन या किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसके पहले भी होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो तब भी होगा, अनकाउंटेबल नाउन भी अगर है तब भी होगा। अनकाउंटेबल मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यू आर द मैन हु हेल्प मी, तुम वही आदमी हो जिसने मेरी मदद की। वही आदमी हो, आदमी तो बहुत सारे हैं, अब यहाँ पे तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारे बारे में बात हो रहा है। तुम वही आदमी हो, मेरी मदद शायद मेरी मदद तो बहुत लोग करते हैं तो, लेकिन तुम जो हो वही आदमी हो, तो मैं तुम्हारी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ा रहा हूँ किससे, इस द वर्ड को लगा करके। मैं तुम्हारी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा हूँ किससे, इस द वर्ड का इस्तेमाल करके। तो क्या हो गया, यू आर द मैन हु हेल्प मी, तुम वही आदमी हो जिसने मेरी मदद की थी। देखिए अगला देखते हैं, दीज आर द पीपल हुम आई हैव इन्वाइटेड, ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने इन्वाइट किया था। ये वही लोग हैं, वही लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आप भी हो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो मैंने जिनको इन्वाइट किया था ये वही लोग हैं। वही लोग हैं मतलब बहुत से लोग आए होंगे, बहुत से लोग आए होंगे, लेकिन जिनको मैंने इनवाइट किया स्पेशली वो कौन है, तो वो यही लोग हैं। तो इसका मैंने क्या किया, स्पेशल बताने के लिए मैंने द का इस्तेमाल किया, दीज आर द पीपल हुम आई इनवाइटेड। अच्छा यहाँ पे द वाटर इन दिस वेल इज पॉल्यूटेड, अच्छा यहाँ पे इस कुएं का पानी प्रदूषित है। तो क्या प्रदूषित है, द वाटर कौन सा पानी प्रदूषित है, तो इस जल का, इस कुएं का ही जल प्रदूषित है। तो क्या मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि इसी कुएं का जल जो है वो प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है। अब ये देखिए, ये वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी यहाँ पे द का इस्तेमाल हुआ है। ये पीपल, पीपल एक प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर भी द का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ मैन, मैन एक सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर भी द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मतलब इन तीनों में ही इस्तेमाल होता है द का। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जब भी किसी की इम्पॉर्टेंस बढ़ानी हो, किसी का महत्व बहुत ज़्यादा कर देना हो, स्पेशल बना देना हो, तो हम उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखने की है कि द का इस्तेमाल हमें कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ करना है। तो बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स, अगर नदियों के नाम है, नदियों के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द गंगेज, द कावेरी, द कृष्णा, मतलब नदियों के नाम है ये सारे, तो नदियों के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। किसी समुद्र या किसी महासागर का नाम हो, सी या ओशन का नाम हो, तो उसके पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द अरेबियन सी, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। तो इन ये सारे क्या हैं, ये कुछ तो समुद्र हैं, कुछ महासागर हैं, तो उन सब के पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों के नाम के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, ये दोनों क्या हैं, ये पर्वतों के नाम हैं। इसके अलावा भी बहुत से पर्वत होंगे, उनके नामों के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। और आगे देखिए, जैसे डायरेक्शंस हो, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मतलब ये जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ इनके पहले द का यूज़ होता ही है, अगर आप इनसे पहले द का यूज़ नहीं करते हो तो आप मैंने गलती करते हो, इंग्लिश में, इंग्लिश के ग्रामर के हिसाब से आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो गलत तो नहीं करना, हम सीख रहे हैं तो सही सही सीखेंगे और सही सही ही इस्तेमाल करेंगे और सही सही लिखेंगे भी। अगला देखिए क्या है, बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स, जो आइलैंड्स होते हैं, जो द्वीप होते हैं, द्वीपों के नाम के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे अंडमान, अंडमान क्या है, एक द्वीप है, तो द्वीप के पहले द अंडमान, द निकोबार, द्वीपों के नाम के पहले भी द का यूज़ करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ लोकेशन, लोकेशन यानी कि टॉप, बॉटम, कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, तो टॉप के उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, बॉटम उससे भी पहले हम यूज़ करते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं कि हम, मैंने जो वर्ड्स बोल दिए सिर्फ उन्हीं के पहले होता है, यहाँ पे लास्ट में एट्सेट्रा भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि इस तरह के वर्ड्स के पहले हम
द का यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मैं आगे आपको और भी जानकारियाँ दूंगा और कहाँ कहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।